दोस्तों अप्रैल 22 GSTR 3B में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी GSTR 2B को लेकर के, तो उसका एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन आपको दिया गया है। जिस तरीके से GSTR 1 में दिया गया था, सेम ऐसे ही GSTR 3B में भी दे दिया गया है। अगर आपकी 2B इनकम्प्लीट है तो आपको क्या करना है। इट हैज़ बीन नोटिस्ड इन फ्यू केसेज सर्टेन रिकॉर्ड्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन 2B। आपकी 2B में नहीं दिख रहे हैं रिकॉर्ड अप्रैल 2022 की, एंड सच रिकॉर्ड आर विजिबल इन 2A ऑफ सच रिसिपिएंट। लेकिन आपकी 2A में वो दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ITC तो आपको 2B के बेसिस पर क्लेम करना है, तो अब क्या करें। द टेक्निकल टीम वर्क कर रही है इस पर कि वो इस इशू को रिजॉल्व करे, क्योंकि जो है ITC लेने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड जनरेट फ्रेश 2B एट द अर्लीस्ट, और आपकी फ्रेश 2B जल्दी से जल्दी जनरेट हो जाए। इन द इंटरिम, अब जब तक वो फ्रेश 2B जनरेट नहीं होती, तो आपको क्या करना है। अफेक्टिव टैक्स पेयर इंटरेस्टेड इन फाइलिंग 3B और आप अपनी 3B को फाइल करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी 3B को फाइल कर लें ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, और उसमें आप 2B की जगह यूज़ करें 2A को। इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन दिस रिगार्ड इज़ डीपली रिग्रेटेड। तो यहाँ पे पोर्टल की फिर से एक और बड़ी मिस्टेक को जो है यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से, अगर हम कहें तो, ढक लिया है और आपको एक जुगाड़ दे दिया है कि जब तक 2B आपकी ठीक से जनरेट नहीं होती है, तब तक आप 2A को यूज़ कर लीजिएगा। तो अप्रैल 2022 की 3B अगर आप फाइल कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इस एडवाइजरी को कंसीडर कर लें। 3B के लिए जो ड्यू डेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 20th ऑफ मई ही है आपकी GSTR 3B फाइलिंग की ड्यू डेट मंथली फाइलर्स के लिए।